पहले हमने ना ये सोचा था कि हम जो है ना नीचे बैठने वाला जो पूरा सेटअप होता है ना हम वो कर लेंगे ये भी बड़ा प्यारा है इसमें भी जो है ना दोनों नाइडों से मुझे बड़ी प्यारी लगी थी है ना वालेकुम जी वेलकम बैक टू माय चैनल क्या हाल चाल है आप लोगों का कैसे हैं आप लोग ठीक ठाक हैं आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे खुश होंगे मजे में होंगे अपने अपने घरों में अपने घर वालों के साथ तो जी अल्लाह ताला हम सब पर जो है ना हमेशा अपनी रहमत बना कर रखे और ये जो नया साल शुरू हुआ है ना ये हम सब के लिए जो है ना रहमतों वाला बरकतों वाला साबित हो और अल्लाह ताला हम सब को जो है ना अपने इफ्जुमान में रखे और आप सबको भी ये नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और बस आज आपसे जो है दो दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ और ये जो है ना ये रात से मैंने व्लॉग अपना स्टार्ट किया था मगरिब के बाद का टाइम है ये तो हम लोग घर से निकले थे मगरिब से कुछ देर पहले आ, हम जा रहे थे मेरे भाईचान के घर पर तो खैर जी रस्ते में जो है फिर हमें थोड़ी सी बच्चों को भी भूख लग रही थी और हमारा भी कुछ खाने पीने का मूड था तो अब्दुल रहीम का था जी हमें गोलगप्पे खाने आज उसकी फरमाइश थी गोलगप्पे की तो खैर हमने जो है ना फिर एक जगह पे रुक के गोलगप्पे खाए और शौरमा मंगवा लिया था और उसके अलावा चाट मंगवा ली थी तो बस ये दो तीन आइटम हमने मंगवाए और फिर ये है कि खा पी कर हम लोग जो है फिर ये मार्ट आ गए थे हम लोग तो बस कुछ चीज़ें ली थी जो मैं आगे चल कर आपको दिखाऊँगी और फिर यहाँ से जो है ना घूम फिर कर जो है शॉपिंग थोड़ी सी करके तो हम लोग चले गए थे फिर अपने भाईजन के घर पर और फिर ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग जो मैंने गाजर का हलवा बनाया था ना पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था तो बस फिर ये वो मैं खा रही थी तो बस खा ही चुकी थी मैं तो रहीम ने कहा मामा आपने वीडियो में तो दिखाया ही नहीं है तो फिर मैं जो है ना कैमरा पकड़ के मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ वैसे तो एंड हो रहा है इसका तो खैर जी बस उसके बाद फिर मैंने ये बनाई थी चाय और चाय पी सर्दियों में चाय पीने का तो वैसे ही बड़ा दिल चाहता है और मुझे चाय वैसे भी पसंद है आज जो है ना इस रूम तो की यहाँ पर दिखाती की की हूँ तो वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से की है एक लाइट और ऑन कर लेते हैं ताकि जो है ना सही से दिखें तो यहाँ पर ये देखें जी ये इस तरह से जो है ना हमने यहाँ पर सोफ़े रख दिए हैं और ये भी खैर पुराने ही हैं सोफ़े तो ये हमारा पहले वाला जो इस कमरे में रखा हुआ था सेट ये वो वाला है उसका ये एक ही टू सीटर जो है ना ये बचा हुआ था तो खैर इसको भी हमने निकालना था तो बच्चे कहने लगे कि नहीं मम्मा इसको रहने दें जब तक जो है ना चलता है चलाते हैं तो बाद में देखेंगे क्या करना है तो खैर जी इस तरह से ये देखें हमने सेटिंग कुछ की है तो ये वही है जी हमारा लिविंग रूम कह लें आप इसे कुछ भी कह लें तो ये है जी अभी गाड़ी का कपड़ा जो है ना ये उतारा है कार का कार गई है जी किसी काम में मतलब कुछ काम उसमें था तो वो करवाने के लिए लेकर गए हैं तो उसका कपड़ा उतार के अभी फ़िलहाल उन्होंने यहाँ रख दिया तो है तो खैर जी ये था जी ये है हमारा मेन गेट जिसको मैंने अभी बंद किया हुआ है अंदर वाला जो है वैसे मैं खोल के ही रखती हूँ लेकिन शोर की वजह से ना मैंने बंद किया है शोर बहुत आता है बाहर से फिर क्योंकि फ्लैट सिस्टम है ना यहाँ पे तो इसलिए तो बस यहाँ पर ये यह देखें इस तरह से जो है हमने हमने कहा चलो बैठने उठने के लिए जो है ना थोड़ा आसानी रहेगी तो इस तरह से फिर हमने सोफ़े यहाँ पर सेट कर दिए हैं और ये हमारा शोर है जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है कमरे के अंदर लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे पास जो है ना मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है ना कि हम जो है ये रखें तो इस वजह से फिर तो खैर जी गाड़ी का कपड़ा भी अभी उठ जाएगा और ये रूम इस तरह से हमारा सेट हो गया हुआ है अब आप लोग बताइएगा जी से पहले हमने ना ये सोचा था कि हम जो है ना नीचे बैठने वाला जो पूरा सेटअप होता है ना हम वो कर लेंगे तो फिर हमने कहा चलो नहीं ऐसे ही कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो ऊपर ही बैठना मतलब वो ईजी रहता है उनके लिए जो है ना तो फिर मैंने कहा चलो हम इसी तरह से कर लेते हैं तो इस वजह से फिर हमने जो है ना ये इस तरह रूम सेट कर लिया बताइएगा आप लोग सेटिंग ठीक है आ, अच्छा ये एक जो दो सोफ़े हैं ना उसमें से एक सोफ़ा हमने इधर रखना था और एक रखना था जी उधर और बीच में आनी थी सेंटर टेबल जो किचन में रखी हुई है बड़ी वाली तो खैर लेकिन अभी यहाँ पर ये वाला सोफ़ा है ना तो इसलिए हमने दोनों सोफ़े वहीं पर रहने दिए हैं तो खैर ऐसे भी ठीक लग रहा है तो जब तक ये सोफ़ा रखा हुआ है बाद में ये है कि चेंज कर लेंगे और ये है कि टेबल भी अभी हमें ला के रखनी है यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल मैंने छोटी टेबल जो है ना ये रख दी सेंटर में तो खैर वो बड़ी टेबल जो है ना किचन में वो भी मैं यहाँ पर ही सेट करवाऊँगी तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है और सेटिंग मतलब ठीक है तो जी अब आ गई हूँ मैं किचन में और लाइट्स मैंने ऑन कर ली मैंने कहा जी अब लगवाई हैं लाइट्स तो भाई ऑन करते हैं कभी कभी खैर मैं करती हूँ हॉन जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ ख़ासतौर तो पर जब मैं ऑन करती हूँ या जब कोई गेस्ट वगैरह आए हुए होते हैं ना तो फिर मैं जो हूँ ना ऑन कर लेती हूँ और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हम रात में गए थे मॉल तो हम लोग वहाँ से क्या ले कर आए तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ अब जे रहीम उधर आइए बेटा जल्दी आइए आ जाओ जल्दी से मेरा बेटा चलो तो जी मेरा बेटा आ रहा है वो दिखाएगा जी आपको सामान और मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाती हूँ ऐसे इसको जो है ना टब को यहाँ नीचे रखो और जी सामान दिखाओ जी क्या क्या है हाँ जी ये हैं जी फूड कंटेनर लाओ। अच्छा ये हैं जी फूड कंटेन श्योर नहीं ना अभी ठहर तो जाओ ना श्योर हो रहा है ऐसे अच्छा फूड कंटेनर हैं ये तो तीनों मैंने जो है ना बड़े साइज़ के ही लिए हैं क्योंकि मुझे जो है ना ज़रूरत थी इनकी फ्रीज़र में भी और जैसे कोई कुछ फ्रीज़ करना हो और आटे के लिए भी मुझे चाहिए था अच्छा लाओ वो वाला दिखाओ हाँ अच्छा ये पिंक कलर में लिया है और ये भी बड़ा प्यारा है इसमें भी जो है ना ये भी मैंने जो है ना फ्रिज के लिए लिया है फ्रीज़र में मतलब जैसे कुछ मुझे फ्रीज करना हो कबाब वगैरह या कुछ भी तो उसके लिए मैंने लिया है फिर अच्छा ये मुझे बड़ी प्यारी लगी है इसमें ना पार्टीशन हुआ हुआ है इसमें आप नमक रख लें और काली मिर्चें पिसी हुई रख लें तो ये जो है ना प्लास्टिक की ही है लाओ मैं खोल के दिखाऊँ हाँ ऐसे देखो ये देखें ऐसे जो है ना ये ओपन होती है और दोनों साइडों से हो जाती है तो मुझे बड़ी प्यारी लगी थी ये ना। ये बहुत प्यारी लगी थी सेवेंटी फाइव या शायद एटी फाइव की थी ये तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी तो बस मैंने ले ली फिर <laughs> बस ये जो है ना मैच बॉक्स लिया है गीज़र जलाने के लिए और और जी ये पेंसिल्स हैं बच्चों की और जी ये शैम्पू है <laughs> तो ये खैर ख़त्म हुआ था ये ले लिया और इंक रिमूवर है अब्दुलरहमान के लिए अब रहमान को चाहिए था ये क्या है जी हाँ जी अच्छा ये कलर लिए हैं कि हस्बैंड साहब ने गार्नियर के इस दफ़ा जो है पूरा जो पैक होता है ना वो नहीं लिया अभी इस दफ़ा उन्होंने ये अभी साशे में लिए हैं तो खैर जी ऑयल ले लिए हैं दो पैकेट और हाँ जी ये मेरे फेवरेट केक रस जो कि मैं अभी चाय के साथ खाऊंगी तो खैर जी ये टप लिया है टप की बहुत ज़रूरत थी गर्म पानी में जो है ना पाऊँ डिप करके रखने के लिए ना तो हमने ये उस ले लिया है तो खैर जी ये हमने बस थोड़ा सा सामान लेना था तो बस फिर ये हमने ले लिया तो इसमें जो है ना मैं कपड़े वॉश नहीं करूँगी मैंने सिर्फ जो है ना ये पाँव के लिए लिया था और हम लोग टॉप लेने ही गए थे और कंटेनर वग़ैरह लेने थे मुझे तो बस इसी लिए जो है हम लोग खास तौर पर गए थे तो और मज़ीद तो ऐसा कुछ लेना नहीं था तो खैर जी अब खाना बनाऊँगी फिर मैं अब तो वो भी आप जो है ना रेसिपी ज़रूर देखिएगा तो बड़े मज़े का जो है ना ये चिकन बना था क्रीमी चिकन था शिमला मिर्च मैंने इसमें जो है शामिल की थी तो वो आपने ज़रूर देखना है थोड़ी सी मैंने शामिल की थी एक शिमला मिर्च जो थी ना वो रखे रखे जो है ना फ्रिज में रेड कलर की हो गई थी तो मैंने कहा चलो ये भी जो है ना इस तरह से इसको यूज़ करते हैं चिकन में तो बड़ी अच्छी लगेगी तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ अच्छा ऑयल में ना मैंने यहाँ पर प्याज चॉप करके वो आ, मैंने रख दी है इसको हम ब्राउन तो नहीं करेंगे बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए इसका कलर तो फिर मैंने लहसन अदरक का पेस्ट उसमें शामिल कर लिया था उसके बाद ना चिकन मैंने फ्राई करके वो मैंने शामिल किया इसमें और दही शामिल की है मैंने इसमें और ये हरी मिर्चें जो है ना हरी मिर्चों का पेस्ट ये मैं इसमें शामिल करूँगी और उसके अलावा जी मैंने ज़ीरा शामिल किया इसमें और काली मिर्चें पिसी हुई शामिल की नमक शामिल किया और बस ये फिर इसको मैंने पका लिया और अब इसमें ये देखें जी मैं क्रीम शामिल कर रही हूँ और क्रीम शामिल करने के बाद ना मैं ये रेड वाली और ग्रीन वाली थोड़ी सी शिमला मिर्च मैं इस तरह से ऐड कर दूँगी तो इसका बड़ा अच्छा सा ना फ्लेवर आया था चिकन में तो अच्छा पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि शिमला मिर्च जो है ना रखे रखे इस तरह से रेड हो गई हो तो ये फर्स्ट टाइम ही मेरे साथ मतलब ऐसा हुआ था हरी मिर्चें जो होती हैं ना वो तो रेड हो जाती हैं लेकिन ये जो थी ना फर्स्ट टाइम ही इस तरह हुई थी रेड तो मैंने कहा चलो इसको जो है ना बस इस तरह चिकन, चिकन के साथ बना लेते हैं तो आपने जो है ना मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी पूरी वीडियो आपको कैसी लगी रेसिपी कैसी लगी है और ज़रूर मुझे बताया करें और कोई आइडिया भी मुझे दिया करें कि आप लोग क्या चीज़ ज़्यादा देखना चाहते हैं और मेरी वीडियो में अगर कोई कमी है तो वो भी मुझे बताया करें ठीक है जी तो बस ही यहाँ पर आज वीडियो का एंड करती हूँ काफ़ी दिनों बाद ही मैंने अपलोड की है तो ज़रूर मुझे बताइएगा ठीक है जी और फिर मिलेंगे इन जल्दी मिलेंगे तो दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा मेरी फैमिली को भी तो तब तक के लिए जो है आपसे चाहूँगी इजाज़त अल्लाह बाय बाय अपना और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा ठीक है जी अल्लाह हाफिज़